हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्जन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे सिक्योर और सेफेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली आजकल सिक्योर ही स्मार्टफोन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ परमिशन देने के कारण हमारा स्मार्टफोन हैक हो जाता है। लेकिन आज मैं जो आपको स्मार्टफोन के बारे में बताऊँगा वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है और उसको हैक करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब कि नामुमकिन ही है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से लेकर 9 लाख तक के स्मार्टफोन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले अगर बात करें स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे हमें BTM Tough 2C नाम का एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो कि हमें 1,30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि इनकी प्राइस है। यहाँ पे प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये फिक्स प्राइस है। तो बात करें इनकी सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे हमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, मतलब कि ये एक एंड्रॉयड 9 पे वर्क करेगा और दूसरा इनकी खुद की मतलब कि ब्रांड की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इनके साथ देखने को मिलेगी। तो ये दोनों मिलकर मतलब कि यहाँ पे और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन भी यहाँ पे हमें 9 देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये एक स्टॉक रोम पे काम करेगा। और दूसरी बात ये कि इसकी जो ब्रांड है BTM 2C, तो वहाँ पे भी हमें एक अलग से सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेगा। बात करें और सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमें ऑलवेज VPN चालू रहेगा, क्योंकि VPN से क्या होता है कि जो भी सर्वर वगैरह होते हैं वो बाईपास हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। और बात करें कुछ और ज़्यादा सिक्योरिटी की, तो जब आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदोगे तब आपको यूबिका 5NFC करके एक की देखने को मिलेगी, वो मतलब कि आपके साथ फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो उनके कारण आपका स्मार्टफोन और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। बाकी और कुछ छोटे मोटे फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये IP68 रेटेड है, मतलब कि इसको आप डस्ट प्रूफ भी कह सकते हो और वाटर प्रूफ भी हमें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और कुछ आगे बात करें तो ये फ़ोन टफ़ भी है, मतलब कि इसको आप कैसे भी रगड़ोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब कि आपको अगर किसी को मारना है तो वहाँ पे ये टूटेगा नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी सिक्योर स्मार्टफोन हमें ये BTM का देखने को मिल जाता है। ये पहला स्मार्टफोन है जो कि 1,30,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है K iPhone। तो अगर आप आईफोन से भी ज़्यादा सिक्योर स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हो तो ये ख़रीद सकते हो, क्योंकि इनका नाम ही ऐसा रखा है K iPhone। अब K का मतलब ये है कि क्रिप्टोल, तो क्रिप्टोल से अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि वहाँ पे आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो स्मार्टफोन में फ़ीचर्स तो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे इनकी एक VOIP ऐप मतलब कि इसमें हमें देखने को मिल जाती है, तो उसमें फर्मवेयर में कुछ चेंजेस किया है, तो जिनके कारण आपकी जो भी कॉल्स वगैरह है, मैसेजेस वगैरह है, वो काफ़ी इंक्रिप्टेड रहेंगे, उसको कंपनी खुद डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सिक्योरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। मतलब कि अगर बात करें आईफोन की, तो आईफोन भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी मिशन वगैरह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पे ट्रस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्मार्टफोन है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस हमें 3,30,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। तो उतना खर्चा हम नॉर्मल मतलब कि लोग नहीं कर सकते एक स्मार्टफोन पे, और वो भी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना मतलब कि बिजनेस नहीं होता, तो नॉर्मल लोग इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो इसका नाम है सोलरिन सीरिन लैब्स, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर भी है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इनकी प्राइस है 9 लाख रुपये। तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई पैसे मतलब कि खर्च नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन ज़्यादातर मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी मिलिट्री के मतलब कि वहाँ पे बेस पे जो भी काम वगैरह होता है वहाँ पे ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे हमें 256 बिट की एक इंक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी सिक्योर है, और ये सबसे ज़्यादा डिफेंस में ही यूज़ किया जाता है। और बेसिकली कुछ आगे फीचर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमें फिजिकली बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बंद कर सके। तो ये फीचर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा स्मार्टफोन अगर हैक हुआ है तो वहाँ पे हमें
सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे जो भी वॉइस वगैरह वो रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे फिजिकली बटन प्रोवाइड्स किए जाते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच की QHD LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे हमें 23.5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 810 की चिप देखने को मिल जाती है। तो वो एक बेसिकली मतलब कि नॉर्मल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, वही यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली सारे बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि मतलब कि कोई भी चीज़ चुरा ना पाए और आपकी वॉइस वगैरह सुन ना पाए। और इसका और एक मॉडल आता है, जो कि सिरिन फिनी U1 करके आता है, वो भी काफ़ी महंगा है। और इनकी प्राइस तो मैंने आपको बता दी कि 9 लाख, मतलब कि 10 लाख ही ले लो तो ये प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। और ये इजरायली स्मार्टफोन है, तो काफ़ी सिक्योर भी होगा। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे और भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी सिक्योर है। तो उसका नाम है गेटिम R01। तो ऐसे कई सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। बेसिकली सबसे सेफेस्ट स्मार्टफोन की जो एक बेसिक पॉइंट यही होता है कि वहाँ पे हमें फिजिकली बटन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे भी यहाँ पे हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ़ोन को पूरी तरह से आप डिसेबल कर सकते हो, मतलब कि वहाँ पे आपकी लोकेशन वगैरह कुछ भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर स्मार्टफोन होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ मॉडल के बारे में, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। बात करें और स्मार्टफोन के बारे में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ मॉडल के बारे में, तो यहाँ पे हमें ब्लैकफोन प्राइवी 2.0 भी स्मार्टफोन है, तो उसको आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी। और दूसरा है आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो इनके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। बेसिकली एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉयड होता है या तो फिर iOS होता है, तो उसको भी कोई भी पर्सन हैक नहीं कर सकता विदाउट, अगर आपने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, वहाँ पे परमिशन दे दी, तब आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। उसके अलावा आपका स्मार्टफोन हैक नहीं हो सकता, तो डरने वाली बात नहीं है। और आगे स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पे हमें गूगल पिक्सल 8 करके स्मार्टफोन है, सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra है, S24 Ultra है, तो ये सभी सिक्योर स्मार्टफोन में आते हैं। लेकिन पहले मैंने जो बताया था स्मार्टफोन, वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।